सर बताइएगा, इमरान खान साहब को पेश ही नहीं किया जा रहा, आज फर्द जुर्म आयद होनी थी, क्या कहेंगे आज के इस ओवरऑल केस के हवाले से, फर्द जुर्म की कार्रवाई का क्या बना और क्या इमरान खान साहब अब नजर नहीं आ रहे? फर्द जुर्म तो पिछली तारीख में रखी थी, वो फर्द जुर्म इस तारीख के लिए उन्होंने छोड़ दी थी, अब वो लाना ही नहीं चाहते। पूरा पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्सेस, पूरे पाकिस्तान की पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो मुझे बताएं 25 करोड़ आवाम को कहाँ से सिक्योरिटी ये देंगे? ये बदनीयती है। बेसिकली ये इमरान खान जिस दिन बाहर आ गया या इनको पता चल गया आवाम को कि वह बाहर आ गया है, तो सारी पब्लिक ने उनको देखने के लिए आ जाना है, और दैट इज़ द रीज़न कि जितने बड़े इनके सो कार्ड जलसे हो रहे हैं वो सारे के सारे धरे के धरे रह जाने, और ये असल वजह है। नैब मैंडेट वाले में भी इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल पेश होना चाहते हैं, तो उसमें काजी फैज इस्सा साहब का तो बड़ा नाम है कि वो अपने जो बात कहते हैं वो मनवाते हैं। अल्लाह करे, अल्लाह करे, हमारी उम्मीद भी है और हमें तवक्को भी है कि वो मनवाएंगे भी और वो पेश भी कराएंगे। इलेक्शन कमीशन को तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जी आपके हुक्म को हम नहीं मानते, आपके हुक्म की कोई हैसियत नहीं है। सेक्रेटरी इंटीरियर ने, यानी जो एक सबॉर्डिनेट ऑफिसर है, उसने लिख के दे दिया कि जी आपके बात की कोई हैसियत नहीं है, हम खुद करेंगे जो करना। इलेक्शन से पहले खान साहब बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इदारे तो कॉपरेट ही नहीं कर रहे, सिर्फ पेश करने की अदालतों में, तो फिर वो जमानत हो के बाहर कैसे आ जाएंगे? देखिए, काबिल जमानत केस है ही कुछ नहीं साइफर में। जिस दिन लगेगा, मेरा ख्याल इसी हफ्ते शायद लग जाएगा, जिस दिन लगेगा जमानत हो जानी है, जब जमानत हो जाएगी और तो कोई केस है ही नहीं। मेरा ख्याल है कि इसमें तो आराम से हमारी वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर ये एग्जेक्टिव अदलिया की ओवर एंड अबव अथॉरिटी है, तो फिर हम और आप क्या कह सकते हैं? फिर अगर आइन मुअत्तल है, कानून मुअत्तल है, बुनियादी हकूक मुअत्तल है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं? आखिरी बता दें, इमरान खान साहब टिकटें खुद तकसीम करेंगे, अगर बाहर नहीं आते तो जेल में बैठ के करेंगे? बिल्कुल, जेल से भी वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो, और साथ साथ हमारी कोर कमेटी भी और बाकी कमेटीज़ भी काम कर रही हैं। इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में तमाम हलकों से हम इलेक्शन लड़ेंगे।